आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लोन का रिक्वायर है, या आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, नहीं तो आप किसी डिफेंस में या पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, और या तो आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, तो यूनो SBI में आपको एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन दिया जाता है। तो एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो, विद इन 1 डेज के अंदर में आपका ये लोन अप्रूव्ड हो जाता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साइड में बेल नोटिफिकेशन है ऑन कर लें। इसी तरह हम आपके लिए बैंक से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यूनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चलिए MPIN नंबर को एंटर करके हम अपने यूनो SBI एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेता हूँ। MPIN नंबर मैं यहाँ पे फिल कर लिया। इसके बाद हमारा यूनो SBI एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूनो SBI एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 3 लाइन देखने को मिलेगा, आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपको लोन्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको लोन्स पे क्लिक कर देना है। तो लोन्स पे यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं। और लोन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ से होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कार लोन लिखा गया, आप यहाँ से कार लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कार लोन अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन लोन भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, आप यहाँ से एक्सप्रेस क्रेडिट लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे गोल्ड लोन लिखा गया, अगर आप यहाँ से गोल्ड लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो गोल्ड लोन भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इन सभी लोन को आप यूनो SBI एप्लीकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस क्रेडिट लोन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस लोन को अप्लाई कर रहा था इसलिए यहाँ पे रीट्राइव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम रीट्राइव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नेट मंथली इनकम आपको पूछ रहा है, तो जो भी आपका नेट मंथली इनकम है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे मैं रेगुलर को सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे टाइम इन करेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको काम करते हुए कितना मंथ हो गया है, कितना ईयर्स हो गया, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे हमें 9 ईयर 10 मंथ हो गया, तो मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको यूनो SBI से बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टाइप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको सेंट्रल सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे QSE गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो इस केस में भी आप यूनो SBI से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ PSU देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल में काम करते हैं तो सेंट्रल को सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको विच PSU नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर आप किसी डिफेंस में पैरामिलिट्री फोर्स में तो आप इस केस में भी आप यूनो SBI से लोन ले सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ डिफेंस लिखा गया, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फोर्स का नेम देखने को मिल जाता है, सबसे पहले यहाँ पे आर्मी लिखा गया है, इसके बाद एयर फोर्स लिखा गया, नेवी लिखा गया है, पैरामिलिट्री फोर्स में BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSP लिखा गया है, इसके बाद राष्ट्रीय राइफल, असम राइफल और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो चलिए यहाँ पे हम पैरामिलिट्री फोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पैरामिलिट्री फोर्स को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पर्सनल एंड फोर्स नंबर दिए गए, आपका जो भी फोर्स नंबर है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद रेजिमेंट नंबर दिए गए, आपका जो भी रेजिमेंट नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कंपनी नंबर है, यहाँ पे कंपनी नंबर भी फिल कर सकते हैं, ABC जो भी कंपनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस केस में भी आपको यूनो SBI से लोन मिल जाता है। यहाँ पे लिखा गया इंस्टीट्यूट नेम, आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम फिल कर देना है। तो चलिए अपने इंस्टीट्यूट का नेम मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ।
जैसे ही आप यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको नेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नेम को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग IIT कानपुर, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का नेम आ गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम वापस फिर से ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है कॉर्पोरेट का। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो इस केस में भी आपको यहाँ पे यूनो SBI से लोन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नेम फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम कंपनी का नेम फिल करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेम आ गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करता हूँ, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। चलिए यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा गया टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है एग्जिस्टिंग EMI, यहाँ पे अगर आपका कोई EMI चल रहा है तो यहाँ पे आपको ऐड EMI पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन टाइप लिखा गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का कुछ लोन है, यहाँ पे पर्सनल लोन दिया गया, ऑटो लोन दिया गया, एजुकेशन लोन दिया गया है, जो भी आपका लोन है यहाँ पे आप लोन टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लोन अमाउंट फिल कर देना है। यहाँ पे हमारा कोई लोन नहीं चला है, चलिए यहाँ से इस डिलीट वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक ऑफ लिखा गया है। अगर आप 2% का कंसेक्शन चाहते हैं इंटरेस्ट रेट में तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। 2% का कंसेक्शन तभी आप ले सकते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका बैंक के साथ टाई अप है, तो यहाँ पे आप 2% का कंसेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप अपने मेल आईडी पे एप्लीकेशन मंगाना चाहते हैं, इस मेल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम मेल वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एप्लीकेशन भेज दिए गए। चलिए यहाँ पे हम मेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनो SBI की तरफ से मेल हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए यहाँ पे मेल को मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन अप्लीकेशन, ये आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड इस एप्लीकेशन को आपको पूरा फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अब सिग्नेचर कराना होगा। यहाँ पे ऑथराइज टू रिसीवर सैलरी अलाउंसेस, जो भी आपका सैलरी बना था उसका आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका खुद का सिग्नेचर रहेगा। और यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे पेज है सिग्नेचर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा जो भी आपका इंचार्ज है। आपको इस एप्लीकेशन को फिल करके आपको ब्रांच में सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम वापस बैक चलते हैं यूनो SBI एप्लीकेशन पर। फ्रेंड्स, अगर आप अपने ऑफिस से एक्सप्रेस क्रेडिट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं लोन लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में सिग्नेचर कराने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को ब्रांच में सबमिट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। और यहाँ पे आपको रेसिडेंटल डिटेल्स देना होगा, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, और यहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया, इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे मदर्स का नेम आपको फिल कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। यहाँ पे मैं ग्रेजुएट को सेलेक्ट किया हूँ। ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हाउस ऑनरशिप पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे आपका खुद का घर है या रेंटेड है या कंपनी प्रोवाइड की है, जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें कंपनी प्रोवाइड की है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे ग्रॉस मंथली इनकम पूछ रहा है, जो भी हमारा ग्रॉस मंथली इनकम है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है, रिलीजन में मैं यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है आपका, जो भी कैटेगरी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको नो डिसेबिलिटी को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको वर्क डिटेल्स देना होगा, ऑफिस का जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। लाइन 1 में और लाइन 2 में भी आपको एड्रेस फिल कर देना है, और यहाँ पे आपको पिन कोड को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और स्टेट के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है सब डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग सर्विस मंथ पूछ रहा है, जितना आपका सर्विस यहाँ पे बचा हुआ है उसको मंथ में आपको यहाँ पे दिखाना होगा। और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ DDO लिखा गया है, आप अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ DDO, जो भी आपका पेमेंट बनाता है उनका जो भी डिजिग्नेशन है यहाँ पे आप फिल कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे IMover लिखा गया है, चलिए यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं।
प्रॉपर्टी में अगर आपके पास हाउस है, फ्लैट है, शॉप है, प्लॉट है, जो भी प्रॉपर्टी है, इसको आपको यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक कर देना है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देना है। चलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है मूवेबल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके नाम से टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देना है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है लिक्विड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपका कोई भी बैंक डिपॉजिट है या इन्वेस्टमेंट है, आपको इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा, अगर आप अपने वेलफेयर फंड से लोन लिए हैं तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। फ्रेंड और रिलेटिव से अगर लोन लिए हैं तो यहाँ पे भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन ऑफर दिखाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट प्रेफर अवेल करना होगा, तो चलिए यहाँ पे हम टर्म लोन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा लोन अमाउंट है 12,72,000 रुपये है, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लग रहा है 9,540 रुपये, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस है। और यहाँ पे 18% सर्विस टैक्स लग रहा है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। और यहाँ पे आपको लोन कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, जो भी आपको लोन का रिक्वायर है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोन अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लोन ड्यूरेशन मंथ दिया गया है, 72 मंथ के लिए आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। तो अगर मंथ को कम कर रहे हैं यहाँ से, इस तरीके से मंथ को भी आप कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है 18% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.60 है, और यहाँ पर जो EMI बन रहा है 23,952 रुपये। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। स्कैन अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा PDF, JPG, PNG फॉर्मेट में रहना चाहिए और 3 MB से ज़्यादा उसका साइज नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है रीसेंट फोटो, यहाँ पे आपको अपना रीसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। यहाँ पे एक कैमरे का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना रीसेंट फोटो ले सकते हैं। और अपलोड के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ से आप अपने फाइल से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोटो को अपलोड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया 3 मंथ सैलरी स्लिप, यहाँ पर आपको अपने 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना होगा। सैलरी स्लिप मैं यहाँ पे अपलोड कर लिया हूँ। चलिए यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया चेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 2% का कंसेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस क्रेडिट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपना एक्सप्रेस क्रेडिट सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया हूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपने होम ब्रांच से लोन को अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको माई होम ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है बाय GPS, अगर आप GPS के थ्रू ब्रांच को सर्च करना चाहते हैं तो आपको बाय GPS पे क्लिक कर देना है। और नीचे यहाँ पे लिखा गया है बाय एरिया नेम और ब्रांच कोड, यहाँ पे आप एरिया का नाम और ब्रांच कोड को टाइप करके आप यहाँ पे ब्रांच को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम माई होम ब्रांच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ब्रांच का नेम आ गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन लिखा गया है, यहाँ पे हमारा नेम आ गया है। और प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 12,72,000 रुपये। और टेन्योर मंथ 72 मंथ यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाता है, इस एप्लीकेशन नंबर को आपको अपने होम ब्रांच में लेके जाना है। और विद इन 1 डेज के अंदर में आपका एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन अप्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कर दीजिए लाइक। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।